गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की किरकिरी कराने वाले मणिशंकर अय्यर का पार्टी से निलंबन रद्द कर दिया गया है। पार्टी की अनुशासन समिति की सिफारिश के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उनकी प्राथमिक सदस्यता एक बार फिर से बहाल कर दी है। मणिशंकर अय्यर की वापसी से सत्तारूढ़ बीजेपी का हमला कांग्रेस पर और तेज हो सकता है, क्योंकि गुजरात चुनाव के समय अय्यर ने पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी की थी। गुजरात चुनाव से चंद दिन पहले अय्यर ने पीएम मोदी को नीच किस्म का आदमी कहा था, जिसे लेकर बीजेपी ने जमकर कांग्रेस पर वार किया था। पीएम मोदी ने चुनावी सभा में कहा था कि उनके पिछड़े होने की वजह से यह बयान दिया गया। इसके बाद कांग्रेस को सफाई देनी पड़ी थी और दबाव बढ़ने पर उनको पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। यहां तक कि राहुल गांधी ने संभल कर बोलने की नसीहत भी दी थी। इस कार्रवाई के बाद अय्यर ने अपने बयान पर सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि मुझे हिंदी समझ नहीं आती। कांग्रेस की कार्रवाई और अय्यर की सफाई के बाद मामला धीरे धीरे शांत होने ही लगा था कि अब कांग्रेस ने ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद सियासत का दोबारा गरमाना तय है। राहुल गांधी ने मणिशंकर अय्यर का पार्टी से निलंबन रद्द कर दिया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव अशोक गहलोत की ओर से जारी बयान के मुताबिक पार्टी की केंद्रीय अनुशासन समिति ने राहुल से निलंबन रद्द करने की सिफारिश की थी, जिसको उन्होंने तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी। राहुल के इस फैसले पर बीजेपी का बौखलाना लाजिमी है। वो इस वापसी पर कांग्रेस को जरूर आड़े हाथों लेगी, लेकिन वहीं दूसरी ओर राहुल ने ये फैसला कर पार्टी के लिए परेशानी बढ़ाई है, क्योंकि मणिशंकर अय्यर अक्सर ऐसे बयान देते हैं जिससे कांग्रेस की किरकिरी होती है। साल 2014 के चुनाव से पहले अय्यर ने ही नरेंद्र मोदी के लिए चाय वाला शब्द का इस्तेमाल किया था। उनके इस बयान को बीजेपी ने पूरे चुनाव में खूब भुनाया था। डीबी लाइव की रिपोर्ट।